नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम जोश हिंदी पर। मैं दीपक कुमार आप सभी साथियों के लिए फिर से हाजिर हूँ शानदार सी क्लास के साथ। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है आपकी मैथ सुपर सेवन सीरीज, ठीक है साथियों। इसका आज 17वां क्लास होगा, ठीक है साथियों। इससे पहले 16 क्लास हमने पढ़ लिए हैं। आपको देखने हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी सभी वीडियो, ठीक है साथियों। तो स्टार्ट करें आज की क्लास को। चलिए सभी लोग अपने पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठ जाए, ठीक है साथियों, और जो मुख्य बातें हैं उसको नोट करते रहें, ठीक है साथियों। ये क्लास आपकी SSC GD और NTPC ग्रुप डी सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है साथियों। चलिए देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। हीरा, एक 35 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। यदि इसमें 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा, ठीक है साथियों। कोई मिश्रण होता है, घोल होता है, ठीक है, किसका, दूध और पानी का मिश्रण है, वो कितना है, 35 लीटर का है, ठीक है साथियों, और उसका अनुपात दिया है 5:2 का। चलिए अब देखते हैं। देखिए मिश्रण किसका है दोस्तों, दूध और पानी का, दूध और पानी का किस अनुपात में है, 5:2 में, यानी 5:1 आपका दूध है और 2:1 आपका पानी है, ठीक है साथियों। कुल मिश्रण कितना है, कुल मिश्रण दिया है उसने 35 लीटर, ठीक है साथियों, कितना है, 35 लीटर। अब देखें, अब मैं इसका हिस्सा निकालता हूँ, देखते उसमें दूध कितना है और पानी कितना है, ठीक है। अनुपात का योग करेंगे कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। इसके योग के बराबर रखें कितना, 35, 1:1 बराबर कितना हो जाएगा, 5, यानी कि 1:1 बराबर कितना है, 5 लीटर। तो दूध कितना होगा, दूध कितना है, 5:1 के बराबर, तो कितना हो जाएगा, 25, दूध कितना हो जाएगा, 25। नया अनुपात बनाएंगे हम, ठीक है साथियों, ठीक है। ये क्या है, दूध और ये पानी, ठीक है, कितना है इसमें, और दूध कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर वो बोलता है कि इसमें 5 लीटर दूध और डाल दिया गया, ठीक है, तो मैं दूध की क्वांटिटी में 5 लीटर और ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो अब दूध कितना हो जाएगा, 30 लीटर हो जाएगा, लेकिन पानी तो उतना ही है, जितना पहले था पानी उतना ही है, तो अनुपात क्या बन जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी यहाँ पे, आपका अनुपात बन जाएगा 3:1 का अनुपात होगा। अब नया अनुपात जो है कितना होगा, 3:1 का अनुपात दूध और पानी में, ठीक है, 5 लीटर दूध डालने के बाद, ठीक है साथियों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये भी, मिश्रण से था ये आपका क्वेश्चन, ठीक है, मिश्रण वाले टॉपिक से। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए साथियों, ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। वीणा की वर्तमान आयु 15 वर्ष है, वीणा तथा राहुल की आयु का अनुपात 5:7 है, दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:3 है, 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी है, ठीक है साथियों। उसने क्या दिया, वीणा की आयु दी है हमसे कितनी है, वर्तमान की 15 वर्ष है, ठीक है साथियों। देखिए पहले क्या दिया उसने, वीणा और राहुल की आयु का अनुपात दिया है, दूसरा कौन है यहाँ पे, राहुल, ठीक है, इनकी आयु का अनुपात कितना है, 5:7 का अनुपात है, ठीक है, और वीणा की आयु कितनी है, 15 वर्ष। तो वीणा की आयु को वीणा के अनुपात के हम बराबर रखेंगे, ठीक है, कितनी है, 15 वर्ष, तो 5:1 बराबर कितना हो जाएगा, 15 वर्ष, ठीक है। तो 1:1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 वर्ष, ठीक है। हमें राहुल की आयु ज्ञात करनी है यहाँ पे, ठीक है, तो राहुल की आयु कितनी हो जाएगी, कितना अनुपात है, 7, तो 7 के कितने हो जाएंगे, 21 वर्ष, ठीक है साथियों। क्या हो जाएगी, 21 वर्ष हो जाएगी, किसकी आयु, राहुल की आयु वर्तमान, ठीक है। फिर उसने क्या दिया, दिनेश और राहुल की आयु का हमें अनुपात दिया है वर्तमान का ही, ठीक है, लिखेंगे हम। देखिए क्या है, दिनेश और राहुल, ठीक है, दिनेश और राहुल, ठीक है, अनुपात कितना है इनका, 5:3, ठीक है। हमें पता है राहुल की आयु का, ठीक है, ये अनुपात भी वर्तमान का ही है और आयु भी हमें पता है वर्तमान की, कितनी है, 21 वर्ष। तो 3 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 3:1 बराबर हो जाएगा आपका 21 वर्ष, ठीक है। तो 1:1 बराबर कितना हो जाएगा, 7, ठीक है साथियों, कितना हो जाएगा, 7। हमें क्या चाहिए, दिनेश की आयु चाहिए, ठीक है, तो दिनेश की आयु जब 5:1 के बराबर है और 1:1 बराबर कितना है, 7, ठीक है साथियों। तो दिनेश की आयु क्या हो जाएगी, 5:1 बराबर कितनी हो जाएगी, 35, कितनी हो जाएगी, 35 वर्ष। लेकिन उसने क्या पूछा हमसे,
कि 4 वर्ष बाद बतानी है आपको, क्या बतानी है 4 वर्ष बाद, तो इसमें मैं 4 प्लस कर दूंगा, ठीक है, कितनी हो जाएगी 39 हो जाएगी आपकी, ठीक है, कितनी हो जाएगी 39, ठीक है। दिनेश की आयु कितनी हो जाएगी 39 वर्ष, ठीक है, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, ठीक है, 39 वर्ष हो जाएगी क्योंकि उसने 4 वर्ष बाद की पूछी है, तो मैं इसमें 4 प्लस कर दूंगा वर्तमान की आयु में, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं आगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये आयु संबंधी वाले टॉपिक से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न ये रहा आपका, यदि किसी वस्तु को 5% हानि की उपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता तो विक्रेता को 75 रुपये अधिक मिलते, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, ठीक है साथियों। कोई जो बेचने वाला दुकानदार होता है ना, वो उसको अगर 5% हानि पर बेच रहा था, अगर उसको 10% लाभ पर बेचता तो उसको 75 रुपये क्या मिलते, अधिक मिलते। आपको बताना है कि उस वस्तु का मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना है, ठीक है साथियों। देखिए हमने माना कि क्रय मूल्य कितना है 100 रुपये है, अगर मैं इस पर 5% की हानि पर बेचूँ, ठीक है, माइनस का चिन्ह लगा दिया मैंने, हानि पर बेचूँ तो कितने की बिक जाएगी, 95 रुपये की बिक जाएगी, ठीक है साथियों, कितने की 95 रुपये की। फिर वो बोलता है अगर इसको 10% लाभ पर बेचता तो 10% क्या होगा इस पर लाभ, तो वस्तु कितने की बिक जाएगी 110 रुपये की बिक जाएगी। तो यहाँ पे देखिए कितने रुपये अधिक मिल रहे हैं उसको, ठीक है साथियों, कितने रुपये अधिक मिल रहे हैं 15 रुपये, इनका अंतर कर देंगे आप कितना आ जाएगा 15, तो उसको कितने रुपये मिल रहे हैं अधिक 15 रुपये अधिक मिल रहे हैं, लेकिन वो क्या बोल रहा है कि 75 रुपये अधिक मिल रहे हैं, तो दोनों चीज़ें आपस में बराबर हो जाएंगी, ठीक है, कितनी हो जाएंगी 15 और 75 बराबर हो जाएंगे, तो एक बराबर कितना है 15 से काटेंगे कितना आ जाएगा 15×5=75। हमने क्रय मूल्य कितना माना था 100 माना था, ठीक है, क्रय मूल्य कितना माना था 100 माना था, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम 100 की गुणा कर देंगे, ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 500 रुपये, ठीक है, क्या था उसका क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा यहाँ पे 500 रुपये हो जाएगा, ठीक है साथियों। ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, लाभ हानि का एक क्वेश्चन था आपका, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए देखिए साथियों ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी छावनी में 200 सैनिकों की भोजन सामग्री 30 दिन के लिए थी, 10 दिन बाद 50 सैनिक और आ जाने से यह सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी, ठीक है साथियों। एक छावनी थी उसमें क्या थे सैनिक थे, कितने थे 200 सैनिक थे, ठीक है, उनके लिए 30 दिन का भोजन था वहाँ पे, ठीक है, 10 दिन के बाद होता क्या है 50 सैनिक और आ जाते हैं, ठीक है, तो बताना है कि अब सामग्री कितने दिन तक चलेगी या पर्याप्त होगी कितने दिन के लिए, ठीक है साथियों। तो देखिए यहाँ पे सैनिक थे शुरुआत में, ठीक है, लिखेंगे हम सैनिक और दिन, ठीक है, 200 सैनिकों के लिए भोजन सामग्री 30 दिन के लिए थी, ठीक है साथियों। होता क्या है 10 दिन के बाद, ठीक है, 10 दिन के बाद यानी 10 दिन तो हो चुके हैं, 30 में से 10 दिन का भोजन ये खा चुके हैं, ठीक है, 10 दिन के बाद क्या होता है 50 सैनिक छावनी में और आ जाते हैं, ठीक है, 50 सैनिक छावनी में और आ जाते हैं, तो अब भोजन सामग्री कितनी बची है, ठीक है, 200 व्यक्ति के लिए भोजन था, देखें 200 व्यक्तियों के लिए भोजन था, 10 दिन वो खा चुके हैं, अब इनके लिए भोजन कितने दिन का बचा है 20 दिन का, ठीक है, ठीक है, 20 से गुणा कर देंगे आप, ठीक है, ये 20 दिन का भोजन था और 200 सैनिकों के लिए था, लेकिन अब सैनिक कितने हो चुके हैं 50 और आने से 250 सैनिक हो चुके हैं, यानी 250 सैनिक हो गए हैं अब छावनी में, ठीक है, तो ये 250 सैनिक खाएंगे इस भोजन को, ठीक है, 250 से आप इसको भाग कर देंगे, ठीक, जीरो से यहाँ पे जीरो कट जाएगी, 25 से काटेंगे 200 कितने बार जाएगा 8 बार, और 8 और 2 की गुणा कर देंगे आप कितना हो जाएगा 8×2=16, ठीक है, यानी जो भोजन है वो कितने दिन चलेगा, अब केवल 16 दिन चलेगा वो, ठीक है, जो 20 दिन चलता और भी, ठीक है, अगर वो 50 सैनिक ना आते तो भोजन 20 दिन तक चलता, ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ 50 सैनिक आने की वजह से वो भी तो भाई भोजन खाएंगे तो थोड़ा कम दिन चला, 4 दिन कम चला, ठीक है, ये भी पूछ सकता है आपसे कि कितने दिन कम चला, ठीक है, तो आपके पास आपको सिर्फ यही बताना है कि कितने दिन तक चला, ठीक है, 16 दिन तक वो पर्याप्त होगा भोजन। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिए साथियों ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दूरी को तय किए जाने वाले समय में 20% कमी करने हेतु एक कार चालक को कार की गति में कितने प्रतिशत की वृद्धि
करनी होगी। ठीक है साथियों, यहाँ पे हो क्या आ रहा है कि कोई निश्चित दूरी थी उसके पास में, उससे पहले वो अपनी 100% से तय कर रहा था, फिर क्या होता है कि जो उसका समय होता है उसको 20% कम कर दिया गया, तो उसको अपनी स्पीड को कितना बढ़ाना चाहिए कि वो नियमित समय से वो तय कर सके दूरी। ठीक है साथियों, उतने ही समय में वो दूरी तय कर दे। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, समय, ठीक है, समय क्या कर दिया गया, 20% कम कर दिया गया। 20% कम का क्या मतलब होगा दोस्तों, 1/5। ठीक है, यानी समय पहले कितना मिल रहा था उसको, 5 मिनट मिल लेते या 5 घंटे मिल लेते, जो भी, उसमें से एक कम कर दिया गया। अब समय कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है। ठीक है, अब समय कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है। जो गति होगी दोस्तों वो ठीक समय के उल्टी होगी। ठीक है, वो ठीक समय के उल्टी होगी। अगर समय बढ़ेगा तो गति घटेगी, अगर समय घटेगा तो गति बढ़ेगी। ठीक है साथियों, यानी इसके विपरीत होगा। ठीक, क्योंकि दूरी उसमें कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे समान दूरी है, दूरी वही है जो पहले थी, अब भी वही है, तो यहाँ पे गति क्या हो जाएगी इसकी, 4/5 हो जाएगी। ठीक है, पहले 4 की गति से जा रहा था, ठीक है साथियों, तो उसको 5 समय लग रहा था, लेकिन अब क्या करना पड़ेगा, उसको गति अपनी 5 करनी पड़ेगी। तो कितने परसेंट बढ़ानी पड़ेगी इसको, देखिए पहले 4 थी, इस पर 1 बढ़ानी पड़ रही है, तो परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, 4 से काटेंगे 25 को, सॉरी दोस्तों 100 को, कितना आ जाएगा, 25%। ठीक है, कितना आ जाएगा हमारा, 25%। यही आपका राइट आंसर है, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी में। ठीक है साथियों, लाइट चली गई, थोड़ा सा वेट करें, सॉरी दोस्तों बीच में लाइट चली गई थी, उसकी वजह से जो है क्लास बीच में रुक गई थी थोड़ी देर के लिए। ठीक है साथियों, तो इसका आंसर क्या आ गया था हमारा, 25। ठीक है, कितना आ जाएगा, 25% की उसको वृद्धि करनी पड़ेगी अपनी गति में। ठीक है, तब वो पहुंचेगा। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन लग रहा है था हमें, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका। यदि 45 आदमी 300 किलोग्राम चावल 12 दिन में खाए, तो 24 आदमी 80 किलोग्राम चावल कितने दिन में खाएंगे। ठीक है साथियों, देखिए MDH वाले फॉर्मूले से इसको करेंगे हम, MDH। ठीक है साथियों, देखिए कितने हैं, 45 आदमी हैं और कितने दिन में खा रहे हैं, 12 दिन में, कितने किलोग्राम चावल खा रहे हैं, 300। ठीक है, कितने, 300। MDH के अलावा जो भी आएगा वो नीचे लिखेंगे आप। ठीक है, एम का मतलब क्या होगा दोस्तों, आदमी या महिला जो भी होगा, डे का मतलब क्या होगा, दिन हो जाएगा, एच का मतलब क्या होगा, घंटे होगा। ठीक है, MDH के अलावा जो भी आएगा उसको नीचे लिखेंगे आप। बराबर दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहे हो कि 24 आदमी, ठीक है, कितने दिन में 80 किलोग्राम चावल खाएंगे। ठीक है, कितने, 80। आप कैलकुलेशन करेंगे, देखिए 0 से हमने ये 0 काट दिया, 8 से इसको काटते हैं, 8 दिया कितना हो जाएंगे, 24। ठीक है, इससे काटते हैं किसको, इसको, कितनी बार जाएगा, 3 × 4 = 12। देखिए 15 दिया कितने होंगे, 45, 4 × 15 = 30। 2 से काटेंगे 4 को, 2 बार जाएगा, कितना हो जाएगा, 6। तो D बराबर क्या आ जाएगा आपका, 6, या 6 बराबर D, यानी कि 6 दिन लगेंगे उनको 80 किलोग्राम चावल खाने में। ठीक है, 24 व्यक्तियों को। ठीक है साथियों, आपका आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन सी इसमें से राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये क्लास का आखिरी प्रश्न था दोस्तों, क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताना और कमेंट करके अपना जो है डिसीजन जरूर देना कि आपको क्लास कैसी लगती है। ठीक है, और एक बात और, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें करें, आपके पास जितने भी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप हैं उन सभी में शेयर कर दिया करें वीडियो को। ठीक है साथियों, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, क्लास देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।